समर्पण का ऐसा बेटा सवाल है, ये मेरा समर्पण है भगवान शिव को, और क्योंकि मैं वो मेरे आराध्य है, मैं उनकी आराधना करता हूँ, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ महाकाल को। सब लोग जानते हैं कि मैं महाकाल को समर्पित हूँ, और शायद यही वजह है कि उनकी ही गाइडेंस से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मुझे भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि मैं आज उनके लिए हर रुद्राभिषेक कर पाऊँ। और ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई छोटा काम नहीं है। एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान है, कि आपने फटाफट एक रेस्टोरेंट बुक किया, मेन्यू डिसाइड किया, और आपने ड्रिंक्स डिसाइड किए, और सब पार्टी सेट हो गए, लोग आते एंजॉय करते चले जाते। बट दिस इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, तप करना इतना आसान नहीं होता, ये भी एक तरह से तप है। और हमारे मेरे जो गुरुदेव हैं, प्रदीप जी एक मिनट आइए प्लीज़, मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ उनसे, क्योंकि इनके कहने से, इनकी आज्ञा से ही आज ये जो ये श्री प्रदीप किराड़ो जी हैं, और ये मेरे गुरु भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरा परिवार भी है, उम्र में छोटे हैं, कर्म में बहुत बड़े हैं मुझसे, तो इनकी आज्ञा से ही आज ये महारुद्राभिषेक हुआ है। क्योंकि इन्होंने बोला कि आप जो हैं, जैसे हैं आप, जिस धर्म को मानते हैं, सनातनी हैं आप, तो आप सनातन स्टाइल में ही अपना जन्मदिन मनाइए। और मुझे ऐसा लगा कि यार इससे ज़्यादा बेटर कोई आइडिया नहीं हो सकता कि मैं एक ऐसा ऐसी चीज़ कर सकूँ, ड्रेसिंग ले सकूँ। और एक मुझे लगता है कि हम में कहीं ना कहीं सब में ये चीज़ कहीं दब गई है, छुप गई है, तो उस चीज़ को मुझे लगता है कि थोड़ा सा जागृत करना ज़रूरी है। और आज मुझे लग रहा है कि हमने क्योंकि ऐसा किया है, तो ये करने से जब लोगों को दिखेगा कि यार जन्मदिन अपना जो स्पेशल डे है, जिस तरह से मनाते हैं उस तरह से ना मना के अगर हम इस तरह से करें, तो शायद लोगों में ये जागरूकता भी आएगी कि धर्म कर्म भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। लोगों ने कोविड के टाइम पे बहुत याद किया भगवान को, और कोविड गया तो सब भूल गए, सब नाइट क्लब में चले गए। तो इसलिए टुडे आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने लाइफ में बैलेंस बना के चले, धर्म का भी और कर्म। आज मैंने वही करने की कोशिश की कि कर्म तो मैं करी रहा हूँ, बट धर्म, सनातन धर्म का भी बैलेंस बना के बहुत ज़रूरी है चलना। और जब आपके पास प्रदीप जी जैसे गुरु हो, तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे लिए ये भी ब्लेसिंग है, कि ये भी महाकाल की कृपा है कि ऐसे लोग मेरे जीवन में हैं जो मुझे सक्षम बना रहे हैं ये काम करें। कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। ये जन्मदिन मनाने की बात चल रही थी कि इनका जन्मदिन था, तो ऐसे ही बैठ के बात हुआ कि अपने पुरानी संस्कृति में जन्मदिन बहुत बड़ा दिन होता है, जिससे पूरा साल चलता है। उसी के साथ बैठे थे कि आप जन्मदिन पर क्या कर रहे हो, पार्टी कर रहे हैं, अभी अपनी पार्टी चेंज करते हैं, क्योंकि जन्मदिन होता है पूरा साल का ताकत। अपने सनातन धर्म में, अपने जो ऋषि मुनियों ने, अपने जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जन्मदिन पर धर्म होना चाहिए ताकि पूरा साल तक चले, तो ये कोई भगवान पर इनकी कृपा है कि अधिक मास होने के कारण इनका जन्मदिन सावन में आता है, तो इधर सावन में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, ये कोई भगवान की, महाकाल की असीम कृपा थी कि अधिक मास होने की वजह से सावन आ गया। सावन आने की वजह से इन्होंने मेरी बात रखी, और इनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सनातन धर्म को लेकर, और ये जन्मदिन का जो एक नया इतिहास इन्होंने बनाया है, ये सब लोग और तेरा क्या मैडम, यूट्यूब वाले में चलेगा ना, ठीक है चल मैं भेजता हूँ, ठीक है तो चल वो यूट्यूब में जाना उसको फटाफट। सबसे पहले स्वागत है मेरे गुरु प्रदीप किराड़ो जी, आप
सर फोटो फोटो सर यस सर सर यहाँ देखिए संजय लाइट बंद कर थैंक यू श्रावण मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बहुत बड़ी कृपा है भगवान महाकाल की, तो क्योंकि मैं उनको समर्पित हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन महाकाली चला रहे हैं और इतने सालों से मैं समर्पित हूँ और जैसे जैसे मैंने अपने जीवन में अपने अंदर और अपने आसपास जिस तरह के बदलाव देखे हैं महसूस किए हैं और आज मैं जो भी हूँ जहाँ भी हूँ चाहे वो आंतरिक रूप से हो या बाहर के तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ उनकी उनकी गाइडेंस से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल मुझे उंगली पकड़ के चलाते हैं। तो आज ये समय जो है श्रावण का और इसी समय में मेरा जन्मदिन आना, इसी समय में अधिक मास लगना और उसी समय में मुझे मेरे गुरुदेव का ये कहना कि आप जैसे हैं आप उस तरह से ही अपना जन्मदिन मनाइए, तो मैंने कहा यार इससे बढ़िया कोई थॉट नहीं हो सकता, कोई आइडिया नहीं हो सकता। और आज शायद यही महाकाल की ब्लेसिंग है कि मैं ये सब कर पाया हूँ, क्योंकि ये सब करना जैसे मैंने पहले बोला ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। सर हम जानना चाहेंगे बॉलीवुड स्टार हो या फिल्म के स्टार हो, हर कोई पार्टी लेट नाइट पार्टी करते हैं, बट आपने ये यूनिक कॉन्सेप्ट देखा कि नहीं सावन है और मेरा जन्म, ये असल में यूनिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये हमारी बहुत हमारी ये हमारी संस्कृति है एक्चुअली, है ना, और ये हमारी संस्कृति में। प्रदीप जी आप प्लीज़ मेरे साथ आइए ना, मैं मेरे गुरुदेव जो है ना इनके बिना मैं कहीं जो है खड़ा नहीं हो पाता हूँ आजकल नहीं, पर इसलिए ये तो खैर मैंने हंसी में बोला, पर फैक्ट ये है कि जब आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई जब भगवान की कृपा होती तो वो कृपा किस रूप में आती है मालूम है, गुरु के रूप में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इनके रूप में महाकाल की कृपा मिली और आज वही वजह है कि मैं शायद इतना सक्षम हो पाया हूँ कि मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है जो इट्स नॉट वेरी इजी टू डू दिस बिकॉज इसमें बहुत तपस्या लगती है और बहुत आपने देखा मैंने आज 21 ब्राह्मणों के साथ मैंने महारुद्राभिषेक किया और जब वो लोग जाप कर रहे थे तो वो जाप और उसकी ऊर्जा जो थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि हर आदमी एकदम मोहित होकर मुग्ध होकर बैठा हुआ था। और आप विश्वास करिए कि कोई प्लानिंग नहीं था ऐसा, खाली यही बात हुआ था कि आपका जन्मदिन कैसे मनाया जाना है, तो ट्रेंड क्या है दवाई पी लो और धुआं उड़ा लो। लेकिन इनसे मेरा बात हुआ कि भाई जन्मदिन आ रहा है आपका तो धुआं उड़ाओगे दवाई पिलाओगे कि क्या करोगे, एक ही शब्द बोला जैसा आप बोलेंगे। फिर मेरे तरीका तो ये है क्योंकि अपने संस्कृति में अपने जो हिंदू संस्कृति अपने सनातन धर्म में जन्मदिन वो होता है जिस दिन अपने पैदा हो गए, तो अपने लिए तो नया साल तो अब स्टार्ट हुआ है, ना कि 1 जनवरी को कि ना कि किसी को, अपना जन्मदिन जिस दिन अपना जन्मदिन है उस दिन से अपना न्यू ईयर है, तो क्यों ना उस दिन भक्ति करे पूजा पाठ करे। अब ये ख़राब क्यों हो रहा है सीन, क्योंकि जिस दिन पैदा हुए जो अपना बड़ा धर्म है उस दिन धुआं उड़ा रहे हैं नशा कर रहे हैं पूरा साल नशे में रहते हैं। मैंने इनसे खाली ये बात करी कि मेरा ये भाव है क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत मान दिया भाव दिया,
मैं ये चाहता हूँ कि आपके जन्मदिन पर, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भाई काज ब्राह्मण है तो बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ गए, बोले नहीं प्रदीप जी ये करते हैं, आप विश्वास करिए इनकी वाइफ, इनके बच्चे मेरे को खुद बोले कि अगर इनके जन्मदिन की पार्टी में हमको 2 घंटा लगता है ऑर्गेनाइज़ करने में, इसको करने में 5 दिन लगे, 5 दिन से इतनी तैयारी हो रही है जैसे कोई घर में उत्सव हो रहा है कि घर में कोई प्रयोजन हो रहा है। मैंने बोला ना आपको तपस्या है, ये इट इज़ नॉट ईजी। बिल्कुल एकदम, हाँ मैं वैसे भी पूजा पाठ अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत करता हूँ, पर मैंने कभी जन्मदिन पे, हमेशा हम लोगों ने यही सोचा ना क्या चलो पार्टी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे, वो सब करें, तो वो सब चीज़ें दिमाग से बिल्कुल हटा दी मैंने, और मैंने कहा नहीं यार लोगों को खाना तो खिलाना है लेकिन प्रसाद खिलाना है, और क्यों ना हम अपने ढंग से, अपने सनातनी धर्म के ढंग से ये चीज़ करें और परफॉर्म करें। जी नहीं, मैं यही कहूँगा कि हमारे शो की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उसमें जितने भी किरदार हैं हमारे कहानी में, वो हर किरदार हर एक परिवार के साथ, हर एक परिवार के किसी ना किसी किरदार के साथ जुड़ता है और उसका कनेक्ट होता है, इसीलिए शायद, और हम मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी मध्यम वर्गीय सोसाइटी हैं, और उस मध्यम वर्ग से हम सभी लोग आते हैं, तो जितने भी छोटे बड़े लोग हैं सब उसी वर्ग से आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सबसे बड़ी वजह है कि हर परिवार यहाँ से लेकर US, कैनेडा, UK, मॉरिशस, पाकिस्तान, हर जगह वो जो फैमिली है ना, वो हमारी फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से जुड़ी हुई है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि उसमें हर किरदार रिलेटेबल है और हर किरदार से मामा, चाचा, बहन, भाई, दादा, दादी, नाना, नानी, ये हर हमारी फैमिली में हम लोग देखते हुए आएँ, सो आई थिंक वही चीज़ कनेक्ट करती है ऑडियंस से और वही सेंटिमेंट कनेक्ट करती है। मैं हर रोज़ एक नई सुबह देख रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, यही महाकाल की सबसे बड़ी कृपा है कि मैंने एक और नया दिन देखा अपने जीवन में। हर सुबह मैं ऊपर वाले को नमन करता हूँ इस बात का कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि मैंने आज एक और दिन देखा उनकी कृपा से, और आज का सूरज फिर देख रहा हूँ, तो ये हर दिन उनकी सबसे बड़ी उनकी बात क्या है, इनको फ़ोन करो आप, ये हेलो नहीं बोलेंगे, जय महाकाल बोलेंगे। कभी इनको कोई फ़ोन करो, हेलो नहीं बोलेंगे, जय महाकाल। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह जन्मदिन पर? मैं आप सबसे, मेरी मेरे ख्याल से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी लोग अपने धर्म को अपनाएं, और अपने बच्चों को भी, मुझे लगता है हमें अपने आजकल सोशल मीडिया के टाइम में जब पेशेंस इतना हो चुका है, जहां हम लोग इंस्टाग्राम पे भी सिर्फ 60 सेकंड के अंडर की परमिशन होती है कि उतना ही डाल सकते हैं, तो पेशेंस और वो सब चीज़ें इतनी कम हो चुकी हैं, शॉर्टकट्स इतने बड़े हो चुके हैं, तो आई थिंक हम सबको अपने बच्चों को संस्कृति, धर्म, ये सब सिखाना चाहिए ताकि बच्चे हमारे जागरूक हों और हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो बहुत पावरफुल निकलें एंड नॉट वेरी वीक एंड डिपेंडेंट ऑन ऑल द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव। और वो धर्म से ही बढ़ सकती है, धर्म से ही बढ़ सकती है। तो जन्मदिन ऐसे मनाओ जैसे सुधांशु जी ने मनाया, इन्होंने एक नया इतिहास बनाया कि अपने बच्चों का और अपना जन्मदिन ऐसे होना चाहिए, बाद बाकी पार्टी वार्टी आप पूरा साल करते रहो। Yeah.
अरे जंग मत पूछो मैम, यहाँ देखिए मैम यहाँ देखिए थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ ना, इधर ही रुका लेना सर सर मिल सर 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 एक मिनट सर इधर ही रुक जाते सर 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 आ जाओ
लास्ट 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 थैंक यू।